हाँ देखो बेटा, एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में कितने क्वेश्चंस कर लिए मैं, पहले तो गॉस थ्योरम, उसके बाद में प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, सेकंड, थर्ड कौन सा था, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल बाय गॉस थ्योरम, ठीक। फोर्थ, इसके पहले जो पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज बाय गॉस थ्योरम, चार कर लिए थे, है ना। इससे पांचवा ये जो है एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज्ड शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, शीट बोलें या प्लेट बोलें जो भी, बाय गॉस थ्योरम। किससे प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम से, ठीक है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। जैसे मान लेते हैं, सपोज ये मान लो एक प्लेट है, क्या है ये प्लेट। अब अगर इस प्लेट को हम चार्ज करें, वैन चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट, देन चार्ज स्प्रिट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, चार्ज पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लेट एक्चुअल में ऐसे रखिए, जैसा आपको दिख रहा है वही मैं डायग्राम में यहां बनाऊंगा। तो ये है एक्चुअल में एक शीट या फिर प्लेट, क्या है ये प्लेट, है ना। तो ऐसे रखिए, इसको डायग्राम में बना रहे हैं। तो ये जैसे मान लो एक प्लेट या फिर शीट, प्लेट या शीट, ठीक है। अब इस प्लेट को हमने चार्ज करें, ठीक। व्हेन चार्ज इज गिवन, देन चार्ज स्प्रिट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, चार्ज कहां फैल जाएगा, सरफेस में, ठीक। मान लेते हैं इस प्लेट में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और टोटल चार्ज ओवर द सरफेस, टोटल चार्ज ओवर द सरफेस मान लो कितना है, क्यू। टोटल चार्ज ओवर द सरफेस कितना, क्यू। पूरे सरफेस में कितना चार्ज है, क्यू। सरफेस वर्ड आ गया तो एरिया आएगा, है ना। अब इस प्लेट का जो एरिया है, एरिया वर्ड आया मतलब सरफेस, तो इस प्लेट का एरिया कैसे निकालते हैं, भाई रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ से क्या निकल जाता है, एरिया। तो एरिया ऑफ दिस प्लेट, मान लो सपोज ए है, एरिया ऑफ दिस प्लेट क्या है, ए, ठीक। तो इसके पहले हमने पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब था, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया मतलब क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे शो करते हैं, सिग्मा से, किससे शो करते हैं, सिग्मा से, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई ए, ठीक है ना। क्यू क्या है यहां पर, टोटल चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ प्लेट, टोटल चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ प्लेट क्यू। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक। तो क्यू बाई ए का क्या मतलब, अमाउंट ऑफ चार्ज किससे डिवाइड कर रहे हैं, एरिया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई ए, ध्यान रखना सिग्मा इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई ए, है ना। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, है ना, एक्चुअल में हमको क्या फाइंड करना है, इस शीट को हमने चार्ज करे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब इस प्लेट में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा,
प्लेट में अगर चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हमको फाइंड करना है, लेकिन किससे फाइंड करना है? गॉस थ्योरम से। किससे फाइंड करना है? गॉस थ्योरम से, है ना। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना आप। ये प्लेट थी, ये क्या है? प्लेट। तो हमको क्या फाइंड करना है? देखो, इस प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक ठीक, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से निकालना है ना। तो एक्चुअल में गॉस थ्योरम से हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, लेकिन निकल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो गॉस थ्योरम से हमको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। गॉस थ्योरम से तो हम क्या करेंगे? पहले एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गाउसियन सरफेस, है ना भाई, या तो स्फेरिकल और या फिर सिलेंड्रिकल। ध्यान से सुनो, एक्चुअल में क्या था? इस प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना था एट पॉइंट P। कहां पर? एट पॉइंट P, यहां। तो हमने क्या करे, ये वाले सरफेस से भी r डिस्टेंस में एक पॉइंट मान लेते हैं P डैश, यहां से r डिस्टेंस में एक पॉइंट P डैश, r डिस्टेंस में एक पॉइंट हमने यहां क्या मान लिए? P डैश, ठीक। सेम डिस्टेंस में पॉइंट P डैश, लेकिन ध्यान से सुनो, ये पॉइंट P डैश ऐसा नहीं है कि आपकी जहां इच्छा हो आप वहां मान लो, ऐसा भी नहीं है। ये पॉइंट P डैश इस साइड r डिस्टेंस में, इस साइड हम पॉइंट ले रहे हैं ना P डैश, तो कहां लेना है ये पॉइंट? ध्यान से सुनना, कहां लेना है? इस टाइप से लोगे आप कि ये जो लाइन है पी पी डैश, लाइन पी पी डैश शीट के परपेंडिकुलर हो, ठीक। लाइन पी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट, ऐसे आपको लेना है। क्योंकि अब बोलोगे सर ऐसे क्यों लें? इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर ये पॉइंट पी डैश आपने कहीं और लिए तो कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो, तो क्या करना था हमको? इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था एट पॉइंट P बाय गॉस थ्योरम। तो हमको गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है भी, तो हमने क्या करे उसके लिए? दूसरे सरफेस से r डिस्टेंस में, मतलब सेम डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट कौन सा लिए? P डैश। ये वाले सरफेस से r डिस्टेंस में हमने पॉइंट क्या लिए? P डैश, सच दैट P P डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। इस चीज का ध्यान रखना, P P डैश मतलब ये जो लाइन है P P डैश प्लेन ऑफ शीट के कैसी होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्यों? अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? गाउसियन सरफेस। कैसा? सिलेंड्रिकल। गाउसियन सरफेस हम कैसा ड्रॉ कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल। कैसा? सिलेंड्रिकल। देखो, गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ करे कैसा? सिलेंड्रिकल, ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन ये जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस यहां ड्रॉ करे हैं उसका एक्सिस कहां होगा?
ये लाइन होगी एक्सिस। ठीक, तो हमने यहां एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कितना है ए, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होगा ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया ए, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा ए होगा, ये भी कितना होगा ए। ठीक भाई, हमने ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे ड्रॉ करे, यहां पर गॉसियन सरफेस जो है वो कैसा है सिलेंड्रिकल, लेकिन ये सिलेंड्रिकल सरफेस प्लेन ऑफ शीट के कैसा है परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये एक्चुअल में हमारा गॉसियन सरफेस है, क्या है ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, क्या है ये सिलेंडर, तो इसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कितना ए, ठीक, या पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। ये देखो यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान से देखो आप जरा, ठीक है ना, क्या फाइंड करेंगे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, ये ध्यान रखना है ना सिग्मा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, तो यहां गॉसियन सरफेस कैसा है सिलेंड्रिकल, गॉसियन सरफेस यहां कैसा है सिलेंड्रिकल है। ठीक, चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अलग से बना दे रहा हूं, ये एक्चुअल में हमारी प्लेट थी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, ठीक, आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना था पॉइंट पी पर बाय गॉस थ्योरम, तो अब हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था, तो क्या करें दूसरी ओर आर डिस्टेंस में हमने एक पॉइंट क्या ले लिए पी डैश, सच दैट पी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक, और एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने यहां ड्रॉ करे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां था पॉइंट पी डैश। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो प्लेट में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, प्लेट में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की लाइंस कैसी होती हैं, देखो सरफेस में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की लाइंस कैसी फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, जैसे एक साइड वैसी दूसरे साइड भी, ठीक है ना भाई, ये वाले सरफेस पे भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, ये होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, ठीक है, अब आप डायग्राम में देखो यहां प्लेट में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ठीक, प्लेट ऐसी थी ना, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, वैसे इधर भी फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, वैसे इस साइड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई। ठीक, देख लो अच्छे से, अब ये जो गॉसियन सरफेस था कैसा सिलेंड्रिकल, ये था पॉइंट पी डैश। ठीक, गॉसियन सरफेस यहां कैसा है सिलेंड्रिकल, ऐसे है ना,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो अब आप थोड़ा ध्यान दो कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, तो इस गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस कैसा था, सिलेंड्रिकल। गाउसियन सरफेस हमारा कैसा था, सिलेंड्रिकल, जैसा दिख रहा है आपको। और प्लेट में चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो गाउसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, इसके पूरे सरफेस को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक, टोटल सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ध्यान से देखो, है ना। तो इसको हम कौन सा सरफेस बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, कौन सा, कर्व्ड सरफेस, ठीक। और ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, देखो सर्कुलर, कैसा है, सर्कुलर। और ये वाला भी सर्कुलर है, ये भी कैसा है, सर्कुलर। तो इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस में ये है सर्कुलर फेस, ये वाला भी कैसा है, सर्कुलर फेस, लेकिन ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, आप डायग्राम देख के बताओ किस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल पास हो रही है, ठीक, इस गाउसियन सरफेस के किस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल है, देखो कर्व्ड सरफेस के, है ना, कर्व्ड सरफेस से लाइंस कैसी पास हो रही है, पैरेलल, कर्व्ड सरफेस से लाइंस कैसी पास हो रही है, पैरेलल। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, जीरो। कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग पैरेलल फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल पास हो रही हैं, तो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना, जीरो। तो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स हमको फाइंड नहीं करना है, ठीक। तो अब कौन से सरफेस बच गए, देखो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना है, जीरो, कौन सा बच गया, सर्कुलर फेस बच गए, सर्कुलर फेस ये वाला और सर्कुलर फेस ये वाला, देखो। लेकिन डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखना, सर्कुलर फेसेस से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी पास हो रही है, सर्कुलर फेसेस से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पास हो रही है, देखो भाई प्लेट में चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, देखो। तो सर्कुलर फेस में से लाइंस कैसी निकल रही है, नॉर्मल, ठीक भाई। इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड सरफेस के तो पैरेलल थी, लेकिन सर्कुलर फेसेस के कैसी हैं, नॉर्मल है, ठीक। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस सर्कुलर फेस से भी, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस सर्कुलर फेसेस के कैसी हैं, नॉर्मल, सर्कुलर फेसेस के कैसी हैं, नॉर्मल। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर्कुलर फेसेस से लाइंस कैसी निकल रही है, नॉर्मल, और कर्व्ड सरफेस से लाइंस कैसी थी, पैरेलल। तो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना, जीरो। तो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स हमको निकालने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन सर्कुलर फेसेस, ये दिख रहा है ना, सर्कुलर फेसेस से लाइंस कैसी निकलेंगी, नॉर्मल, दोनों
दोनों सर्कुलर फेसेस से लाइंस कैसी पास हो रही हैं? नॉर्मल। तो केवल सर्कुलर फेसेस से रिलेटेड फ्लक्स हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस। ठीक, तो पैटर्न तो वही है ना, क्या करें? पहले इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो ds, डायरेक्शन ऑफ ds नॉर्मल टू द सर्फेस आउटवर्ड्स, इधर भी यहां भी ले लो, इस सर्कुलर फेस का एक स्मॉल एलिमेंट, सर्कुलर फेस का एक स्मॉल एलिमेंट ये लिए, क्या होगा डायरेक्शन? नॉर्मल टू द सर्फेस आउटवर्ड ds का डायरेक्शन। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस का, और ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। ठीक भाई, सर्कुलर फेस ऐसे है ना, तो नॉर्मल टू द सर्फेस आउटवर्ड एरिया वेक्टर ds का डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो क्या फाइंड करना था अपने को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस। देखो ये डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं ds का? नहीं, चलो यहां देखो भाई, ये था एक्चुअल में हमारा सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस, मैं एक दिखा रहा हूं आपको। तो ये फेस कैसा था? सर्कुलर। कैसा था? सर्कुलर। इसका स्मॉल एलिमेंट हमने लिए ds, तो डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस तो ये है ना, सर्कुलर फेस, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड किसका है? ds का डायरेक्शन। यहां वैसे ही यहां नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। ठीक है, चलो क्या फाइंड करना है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, दोनों। ठीक, चलो देखते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स क्या होता? ई ds cos थीटा, ध्यान देना। तो पूरे सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन प्लस, भाई ये तो हमने इसके लिए निकाले हैं, अभी ये भी तो है ना। तो यहां भी आप देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट ई ds cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस सर्कुलर फेस, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, तो क्या निकल गया ये? फाई ई। क्या है यहां फाई ई? सोच लो, फाई ई जो हमने लिखे हैं ये क्या है? ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज व्हाट? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, बोथ द सर्कुलर फेसेस। ठीक है, ठीक, चलो ध्यान से। अब आप देखो थीटा की वैल्यू क्या? जीरो। थीटा इज जीरो फॉर बोथ द सर्कुलर फेसेस। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। दोनों सर्कुलर फेसेस में आप देखो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द सर्फेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सर्फेस आउटवर्ड। तो ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, ठीक, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो कितना हो जाएगा? वन, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो कितना? वन। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दो, ई कांस्टेंट होगा मतलब सेम होगा,
ई रिमेन्स सेम। ई क्या है? हाँ, ध्यान से, है ना, ध्यान देना मेरी बात। पहले तो आप ये बताओ कि ई क्या है। अरे भाई, लास्ट में इसी ई की वैल्यू तो हम निकालेंगे, लास्ट में इसी ई की वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल में ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ? जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? जिस सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे? सर्कुलर फेस। किसके लिए निकाल रहे थे? सर्कुलर फेस। मतलब ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्कुलर फेस। भी चार्ज यहां पर है, लेकिन इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई, आर डिस्टेंस में। तो ये भी तो आर डिस्टेंस में, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई। ठीक, प्लेट से आर डिस्टेंस में, प्लेट से आर डिस्टेंस में दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कैसी होगी? सेम। ठीक, तो जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे थे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे? सर्कुलर फेस के लिए। तो ई का मतलब क्या होगा? सर्कुलर फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी और एट पॉइंट पी डैश, चाहे यहां बोल लो चाहे यहां बोल लो, वो है एक्चुअल में ई। ठीक, तो दोनों सर्कुलर फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, ई कॉन्स्टेंट बाहर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, ई कॉन्स्टेंट, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, चलो इस तार बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। बताओ अब आप ध्यान से सुनो, पहले बताओ कि ds क्या है। देख लो, ds क्या है? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कहां का? सर्कुलर फेस। भाई फ्लक्स हम किसके लिए निकाल रहे थे? सर्कुलर फेसेस के लिए। तो ds क्या? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर फेस। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर फेस। अगर इसका सरफेस इंटीग्रेशन हमने कर दिए तो क्या? टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस, टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस मतलब ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। इसका भी कितना है? ए। ठीक, चलो देखो यहां, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, ई, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ए, ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस ट्वाइस ई ए, इक्वेशन वन। ठीक है, हमने क्या फाइंड करे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस। लेकिन फॉर्मूले से अभी हमने कहां गॉस थ्योरम यूज करे? किससे फाइंड करे? फॉर्मूले से। अब यही फ्लक्स आप फाइंड करो गॉस थ्योरम से, ध्यान से समझना, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, ध्यान से, ध्यान से, वन अपॉन एप्साइलॉन जीरो टाइम्स किसका? चार्ज। कौन सा? प्रेजेंट इनसाइड द गाउसियन सरफेस। मान लेते हैं क्यू डैश, मान लो ये क्यू डैश क्या है? ध्यान से, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गाउसियन सरफेस।
देखो चार्ज किसमें था, प्लेट में, पूरी प्लेट में चार्ज है ना, लेकिन यहां जो चार्ज है उसकी लाइंस इसमें से पास थोड़ी हो रही है, यहां जो चार्ज है इसकी लाइंस इसमें से पास थोड़ी हो रही है। तो हमको इस चार्ज से कोई मतलब थोड़ी है। गॉस थ्योरम में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, कौन सा, प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो हमारा ये था ना सिलेंड्रिकल, इसके अंदर कितना चार्ज है वो, ये वाला इतने पोर्शन में जो चार्ज है ना वो है एक्चुअल में क्यू डैश। तो आप ये बताओ इतने पोर्शन में कितना चार्ज होगा, केवल इसी चार्ज की लाइन सर्कुलर फेसेस में से नॉर्मल पास होंगी, तो हमको केवल इस चार्ज से मतलब है बस। तो इतने पोर्शन में कितना चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया क्या था, क्यू बाई ए। ठीक, तो इतने पोर्शन में चार्ज कितना होगा, क्यू डैश। सिग्मा क्या था, ध्यान रखना, सिग्मा क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। इसका एरिया कितना है, ए, तो इसमें कितना चार्ज होगा, सिग्मा ए, कितना होगा, सिग्मा ए। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज था, सिग्मा। तो इतने एरिए में कितना चार्ज होगा, इसका एरिया कितना है, ए, सिग्मा ए। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ए, ये थोड़ा ध्यान से है ना। चलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस 1/ε0, क्यू डैश की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, इक्वेशन 2 देख लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देख लो, ठीक भाई। इक्वेशन 1 भी वही है और इक्वेशन 2 भी वही है, क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ द सर्कुलर फेसेस। पहले फॉर्मूले से फाइंड करें इक्वेशन 1, फिर थ्योरम से फाइंड करें इक्वेशन 2, इसका मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सेम होंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्साइलॉन 0, देख लो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, ठीक, क्या कैंसिल हो गया यहां पर, ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलॉन 0 न्यूटन पर कूलम्ब। ध्यान से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, किसकी वैल्यू आ गई, ई की, किसकी वैल्यू आ गई, ई की, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में जितना भी हमने पढ़े हैं, हम निकालते इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, निकालते हम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ई की वैल्यू क्या आ गया, ई, ई क्या था, देखो पहली स्टेप से ई लिखा है और उसी ई की वैल्यू आ रही है ये, ठीक। तो यहां एक्चुअल में ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां, जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे थे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स हम कहां निकाल रहे थे, सर्कुलर फेस के लिए, कहां निकाल रहे थे, सर्कुलर फेसेस के लिए। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया
वो कहाँ आया? सर्कुलर फेसेस में। लेकिन हमको कहाँ फाइंड करना था? एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी भी तो कहाँ पर है? सर्कुलर फेस में। ठीक, इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है इससे आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक, मैं डायग्राम अलग से बना दे रहा हूं। यहां देखो, ये है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट या प्लेट, जो भी आप बोलो, प्लेट से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा? सिग्मा अपॉन टू एप्साइलॉन जीरो। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा डायग्राम था एक्चुअल में, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक, ये एक खास बात है यहां पर, एक खास चीज है। क्या है वो? देखो क्या था, शीट से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां फॉर्मूले में आर नहीं है, फॉर्मूले में आर नहीं है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना इसको। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट या प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब प्लेट के चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से आप देख लो, समझ लो। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पूरा इस पर ही बेस्ड है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, इसी पर बेस्ड है। ठीक, अभी हमने क्या निकाले? एक शीट अगर है, एक प्लेट, तो प्लेट से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्साइलॉन जीरो। आर नहीं आता, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। प्लेट के चारों ओर का जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कितना होता है? सिग्मा अपॉन टू एप्साइलॉन जीरो सिग्मा। ठीक, ध्यान से समझ लो, आता है एग्जाम में जनरली। तो अभी हमने एक प्लेट लिए थे, इसके बाद हम दो प्लेट लेंगे पैरेलल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसका यूज बाद में हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होगा। ठीक है, इसलिए इस डेरिवेशन को बड़े ध्यान से आप समझ लेना, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट एट अ डिस्टेंस आर सिग्मा अपॉन टू एप्साइलॉन जीरो। सिग्मा क्या है मालूम है आपको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्साइलॉन जीरो, परमिटिविटी ऑफ द एयर 8.86 इंटू 10 रेस टू माइनस 12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है ना, देख लो, है ना। नोट्स तो मैं भेज दूंगा।